हाँ जी दोस्तों, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा अपने चैनल के उत्ते। आज पंजाब स्कूल के स्टूडेंट्स लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वड्डी अपडेट। चलो वीडियो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो जिवें कि तुहानू सारयां नू पता ही है कि जिहड़ी कोविड की वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, तो उस विच जिहड़ा है इंडिया विच 50% जिहड़े लोग है उन्हां नू कोविड वैक्सीनेशन की फस्ट डोज लग चुकी है। तो नाल ही तुहानू दस दिए कि 27 अगस्त विच जिहड़ा 24 घंटिया के अंदर देश में 44,658 नवे करोना के केस दर्ज किए गए हैं। नाल ही तुहानू दस दिए कि माहर जिहड़े ने चेतावनी दे रहे हैं कि तीजी लहर सितंबर अक्तूबर आने की संभावना है। इस विच बच्चों नू वधेरे प्रभावित होने के भी चांस है कि बच्चे भी इस नाल इनफेक्ट हो सकते हैं। तो नाल ही तुहानू दस दिए इत्थे दस्सिया गया कि जेकर फैमिली मैंबर जिहड़ा ध्यान रखते हैं हत्थां दी सफाई सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं तो बच्चों में इनफेक्शन के चांस थोड़े घट जाते हैं। तो नैक्सट जी अपडेट आ रही है वो आ रही है अक्तूबर के पहले हफ्ते तो 12 साल तो उपर बच्चों को लगेगी वैक्सीन। यह है पूरा प्लैन। तो की है प्लैन तुम दस दिए कि कोरोना की तीजी लहर के डर के विचकार इस साल अक्तूबर के पहले हफ्ते तो भारत में 12 साल या इस तो वध उम्र के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन देने की योजना है। देश में 12 तो 17 साल की उम्र के लगभग 12 करोड़ बच्चे हैं, पर पहला उन्हें बच्चों को यह टीका लगाया जाएगा जो किसी गंभीर बीमारी तो पीड़ित हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हैगी है।